हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज अंकित। आज मैं आपके लिए लिखा हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि रिलेटेड है आपके लेक्चर नंबर 23 से, पर्यावरण विज्ञान से। ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट में अगर पर्यावरण विज्ञान है, आप सेमेस्टर 1-2 से आप बीए बीकॉम बीएससी प्रोग्राम या ऑनर्स से एसओ रेगुलर एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके कोर्स में पर्यावरण विज्ञान हिंदी मीडियम है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन का परिचय, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, मैंने पूरा चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, उसके हम पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे आज हम। ठीक है, हम पूरा बुक वर्क करेंगे जिसमें ट्रू फॉल्स फ्लिप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब आंसर्स हैं। ठीक है ना, अगर आप इग्नू में हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है ना, पर्यावरण विज्ञान की। ठीक है ना, और जो ऑलरेडी लेक्चर 22 जो मैं अपलोड कर चुका हूँ सारे, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल में आप जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए एनवायरमेंटल साइंस हिंदी मीडियम की, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ वीडियो के। ठीक है ना, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बच्चों जो भी हैं आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए। आपका लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है, मुझे पता रहता है मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल साइंस हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सब मिलेंगी वीडियोस। ठीक है ना, अभी फिलहाल हमारे चैनल पर एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का। ठीक है ना, शुरू करते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत डैश है, क्या है सबसे निचली परत? सौरमंडल। ठीक है ना, ये पूरा बुक वर्क है पार्ट के अंदर जो आया है। ठीक है ना, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक वर्क में सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है, गलत। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है कि जलमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल रूपों का संयोजन है, क्या है? तीनों को मिलाकर क्या बनता है? जीवमंडल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कोर बायोस्फीयर का हिस्सा है, गलत। ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर को कहते हैं चूक दर। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, यानी एक बुक है उसके लेखक कौन है? राहेल कार्टसन। आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमि से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए, मैंने आपको विश्व के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी विश्व में जो मनाए जाते हैं और हमारे देश में जो पर्यावरण से रिलेटेड दिवस मनाए जाते हैं, उसके ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ाया, पूरा एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे डेज मैंने कवर करे हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पे एनवायरमेंटल साइंस हिंदी मीडियम के, तो जाकर उस वीडियो को देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा वीडियो के, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके डेज पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? हमारा साझा भविष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है? गरीबी नहीं के लिए है, यानी सतत विकास क्या है? गरीबी नहीं, किसी कोई भी गरीब नहीं होगा के लिए है, ये सही बात है, यानी ट्रू फॉल्स में आया था, सच है और सही है। आगे है, सतत विकास के 3 स्तंभ हैं कौन कौन से? समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। सतत विकास लक्ष्य 5 क्या है? लैंगिक समानता के लिए है, यानी भाई सब इक्वल है। ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी के लिए है। आगे है 14, शून्य भूख का उल्लेख सतत विकास लक्ष्य 2 में किया गया, यानी लक्ष्य 2 क्या है सतत विकास में? शून्य भूख, यानी कोई भी भूखा ना रहे, उससे रिलेटेड है। और 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 11 क्या है? सतत शहर के लिए है, सतत शहर और समुदाय, यानी सब मिलकर एक टिकाऊ समुदाय बनाएंगे, एक साथ रहेंगे, जिसमें ना तो प्रदूषण होगा, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही कोई भेदभाव होगा, इससे रिलेटेड है। ये 15 ही क्वेश्चन थे आपके बुक वर्क में पार्ट 1 में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।